राजस्थान में पिछले 30 साल से सरकार बदलने के रिवाज पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस इस बार पूरे दमखम से जुटी हुई है। मजबूत उम्मीदवारों के चयन के लिए एक और जहां सर्वे का काम जारी है, तो वहीं चुनाव जीतने के लिए कई नए एक्सपेरिमेंट अपनाने का खाका भी तैयार हो रहा है। पिछली बार कांग्रेस का लगातार दो बार हारने वाले नेताजी को टिकट नहीं देने का फॉर्मूला सटीक काम कर गया, लिहाजा 2023 के चुनाव में भी यह फॉर्मूला जारी रह सकता है। ऐसे में कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सहित करीब 30 दिग्गजों की टिकटों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी साल में सियासी दलों ने अभी से कमर कस ली है। कांग्रेस सत्ता बरकरार रखना चाहती है तो भाजपा सत्ता में आने के लिए बेताब है। इसके लिए हर तरीके से जतन हो रहे हैं। हर कोई आवाम का आशीर्वाद पाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। जंग और सियासी मैदान जीतने के लिए सबसे जरूरी है मैदान में मजबूत सैनिक उतारे जाएं। अगर आपके उम्मीदवार मजबूत होंगे तभी जीत नसीब होगी। लिहाजा कांग्रेस अभी से जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की खोज में जुट गई है। मिशन सरकार रिपीट की दिशा में कांग्रेस इस बार भी लगातार दो बार हारने वाले नेताओं की टिकट काट सकती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए उन नेताओं और उनकी सीटों के नाम पहले आपको बताते हैं। दो बार हार, टिकट साफ, विधानसभा चुनाव 2023 के रन की तैयारी। करीब 30 दिग्गज नेताओं के टिकट पर संकट। जयपुर के मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, लून करनसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जैतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, डक से मदनलाल वर्मा, चुरू से मंडेलिया परिवार, सलूम्बर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चोमू से भगवान सहाय सैनी, कुंभलगढ़ से गणेश परमार, भीलवाड़ा के शाहपुरा से महावीर मोची, आहोर से सवाराम पटेल, उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा परिवार, घाटोल से नानालाल निनामा, मकराना से जाकिर हुसैन केसावत, गढ़ी से कांता भील, नागौर और खींवसर से हरेंद्र मिर्धा, सागवाड़ा से सुरेंद्र बामणिया, मावली से पुष्कर डांगी, सांगरिया से शबनम गोदारा, लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू, पीलीबंगा से विनोद कोठवाल, विद्याधर नगर से विक्रम सिंह शेखावत, तिजारा से दुरु मियां, बड़ी सादड़ी से प्रकाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र जाड़ावत। तो ये वो नेता हैं जिनकी 2023 के चुनाव में टिकट पर संकट गहराया है। इसमें दुरुमिया, अर्चना शर्मा, सुरेंद्र जाड़ावत और रघुवीर मीणा जैसे दिग्गजों के नाम भी शुमार है। हालांकि इस बार अंतिम समय में दूसरा मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलने और सर्वे में अगर इनकी रिपोर्ट अच्छी आती है तो फिर इन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछली बार जिनकी टिकट काटी गई वो निर्दलीय मैदान में कूद गए और सहानुभूति के कार्ड पर जीत भी गए। संयम लोढ़ा, खंडेला और आलोक बेनीवाल जैसे कई विधायक चुनाव जीत गए। वहीं पार्टी का साफ कहना है कि जो सर्वे में मजबूत होगा वही टिकट का हकदार होगा। मतलब आखिरी में दो बार हारने वाले फॉर्मूले में ढिलाई दी जा सकती है। कोशिश होते हैं उसको कोई शेर नहीं कह जाता है। चंदावर साहब की देखरेख के अंदर जिस में सर्वे करवाए गए अभी भी और जो सर्वे रिपोर्ट आएगी वो हमारे विधायकों ने शेर भी करी है। आगे हर मंथ शेयर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिससे कि हर MLA को मालूम पड़ सके कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर वो कमी लगी है सर्वे के अंदर उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सके, ये हमारे प्रक्रिया रहेगी आगे के लिए। हम चाहेंगे एक एक जो हमारे विधायकगण हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबके काम हो। हम तो सपना देखेंगे जीत के सब लोग आए हैं। अब डिपेंड करेगा कि वहाँ की जनता का मूड क्या है, विधानसभा के अंदर उनकी स्थिति क्या है, वो खुद समझ जाएंगे। जो आज मैंने देखा 3 दिन में तो खुल के वो बात कर रहे हैं। कई लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कुछ क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कोई गलती नहीं भी होती है, परसेप्शन बन जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं,
और बीजेपी का काम तो यही है। उधर इस फॉर्मूले के लागू होने की आशंका के बीच हारने वालों ने भी तरीका खोज लिया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को भी अभी से मैदान में एक्टिव कर दिया है। मुझे नहीं तो मेरे खासम खास को टिकट दिलाने की रणनीति उन्होंने बनाई है। खैर, फार्मूला कितना लागू होगा यह तो टिकट वितरण के दौरान ही तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फार्मूले को लागू करने की आहट से ही नेताजी की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। दिनेश डांगी, सच बेधड़क।